Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज बनने वाली हैं और इसके साथ साथ जो है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। तो आज भी हम आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी से देने जा रहे हैं और सफ़र शुरू हो चुका है आज़ादी का और 14 अगस्त बहुत करीब आने वाली है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं तो ज़रूर दें और अच्छे मैसेजेस देना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ जो है मैसेज शेयर करें और हमारे अंदर जो जज्बा है जो कम होता जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तानियत का, वो इंशाल्लाह बढ़ना चाहिए। और ये इसी तरह से हो सकता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखें और पॉजिटिव सोच से अपनी ज़िंदगी गुजारें, नेगेटिव सोच को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दें। ठीक है जी, तो चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज हमारे पास रेसिपी आपके लिए क्या है। चिली चिकन नांजा जो है वो तैयार हो रहा है और इसके साथ स्टिक्स जो बनेंगी, पोटैटो स्पाइसी स्टिक्स, और इसके साथ जो है बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी और है जो है चिकन बोट कहलाएगा, वो बनाने जा रहे हैं। और ये रेसिपीज़ वो हैं स्कूल के बच्चों के जो हैं, स्कूल्स खुल चुके हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं, ताकि लंच बॉक्सेस के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम आपको एक बहुत ही आसान तरीके बताने जा रहे हैं और ये चिली चिकन नांजा जो है ये वाकई सरप्राइज़ रेसिपी होगी आपके लिए कि फटाफट इसे घर में तैयार करके आप इसको लंच बॉक्स में डालकर दिया जा सकता है। चिकन बोट भी ऐसी चीज़ है जो आप अपने घर पर फटाफट तैयार कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। दूसरा ये कि हाइजीनिक होगा, आपके अपने हाथ का बना होगा तो इस बात की बेफिक्री होगी कि इसमें कोई चीज़ ऐसी शामिल नहीं है जो आपके सेहत के लिए मुज़र हो। ठीक है जी, और साथ में आज जो टॉपिक हमारा है किचन के बारे में, किचन की सफाई। जब हमारे पास किचन नया होता है या हम नए घर पे शिफ्ट करते हैं तो साफ़ सुथरा किचन होता है, हम सोचते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, सफाई बाद में इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन रोज़ाना की सफाई, हर वीक सफाई, ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। हमेशा किचन के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ही आगे जाकर इसके अंदर कॉकरोचेस पैदा हो जाते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऐसी चीज़ें जो फिर साफ़ नहीं होती, फिर मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपका किचन साफ़ है, शुरू से ही उसकी सफाई का ख्याल रखें। और कॉकरोच ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा पड़ जाए तो फिर ये जान छोड़ती नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। तो आज हम आपको एक बहुत ही कारामद ट्रिप बताने जा रहे हैं जो आपने नोट डाउन कर लेना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बकरीद भी करीब आने वाली है, सफाई वगैरह भी आप कर रहे होंगे अपने, 14 अगस्त भी करीब आने वाली है, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, पेन और कागज़ तैयार कर लें और फौरन लिखना शुरू कर दें। तो आधा कप आपने इसमें मैदा लेना है, आधा कप दूध लेना है, जो आम दूध होता है, जो पीने वाला दूध होता है वो लेना है, और आधा कप जो है आपने पाउडर वाला दूध लेना है। ठीक है, आधा कप आपने इसमें दूध लिया, आधा कप मैदा लिया, आधा कप पाउडर वाला दूध लिया, आधा कप आपने चीनी ली और आधा कप जो है बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर वो होता है जिसको हम कैरम के ऊपर जो हम खेलते हैं उस पर जो पाउडर डाला जाता है वो चीज़ है। पाँच चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके एक पेड़ा सा बना लेना है। ठीक है, और उसे दरवाज़ों पर, कबर्ड के नीचे, चूल्हे के नीचे, हर जगह पर इसे आपने चिपका देना है। ये बड़ा गीला सा चिपा सा होगा और इसे आपने लगा देना है कॉर्नर पे, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह पर, कबर्ड के अंदर लगा दें, फ्रिज के पीछे लगा दें, ओवन के पीछे लगा दें, मुख्तलिफ जगहों पे लगा दें। उससे क्या होगा कि ये चीज़ें जो हैं आपकी, इसकी वजह से कॉकरोचेज जो हैं वो फौरी तौर पर, आपको दूसरे दिन आपको कॉकरोचेज नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, दोबारा मैं ज़रूर बता देता हूँ, कॉर्नर में, हेलो जी, असलम खानपुर से हैं, जरा पहले उनको ले लेते हैं कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम असलम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है भैया? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। जी जी, ये छोटे बच्चों के जो लंच बॉक्स होते हैं ना जी, इनके लिए बता दीजिएगा कोई भी इनको रेसिपी तैयार करने का कोई तरीका। आज मैं बड़े एक ही से टांग आ जाते हैं। हां हां, आज मैं बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी बताने जा रहा हूं जो आप बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में जरूर दें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बच्चे खुश खुश होकर खाएंगे। ठीक है जी, ये मेरी लाइबा और मौजम को भी बाय कर देना। अच्छा, लाइबा और मौजम को, हेलो लाइबा और मौजम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया। और ये दुआ को भी और मोइज को भी। अच्छा, दुआ और मोइज, इनको भी बहुत बहुत हेलो हेलो, कैसे हैं दुआ और मोइज? ठीक ठाक हैं आप लोग? जी जी असलम साहब,
कैसे बहुत शुक्रिया जी जी बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहिए इंशाल्लाह इसमें जो है जो चीज़ें आज बनने वाली हैं वाकई बहुत यूनिक और झटपट बनने वाली हैं इसको आप सुबह सुबह ही बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर आप दे सकते हैं तो मैंने आपसे कहा जैसे शुरू में कि लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपीज़ आज की और तीनों रेसिपीज़ ऐसी हैं जो आप एक लंच बॉक्स में तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी डालकर दे देंगे तो बच्चे का पेट जो है वो अच्छी तरह से भर जाएगा और उसको ये फिक्र नहीं होगी कि जो आज हमने चीज़ें खाई हैं वो कोई सेहत के लिए मुज़र हो ठीक है जी फिर दोबारा से बता दूं आधा कप आपने पाउडर वाला दूध लेना है आधा कप आपने जो नॉर्मल दूध होता है पीने वाला वो लेना है आधा कप आपने मैदा लेना है आधा कप आपने चीनी लेनी है आधा कप आपने बोरिक पाउडर लेना है ठीक है जी इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लेना है और इससे थोड़ा थोड़ा सा करके दरवाजे के पीछे ये अपना जो कबर्ड होता है उसके पीछे चूल्हे के नीचे फ्रिज के पीछे ओवन के पीछे इस तरह से लगा देना है इसको दीवार पर तो याद रखें जिस दिन आपने लगाना है उसके दूसरे दिन से कॉकरोच जो है वो ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं यहाँ पर ठीक है जी और वाकई ही ऐसा है कि इसे आप फिर ज़्यादा जिनके पास कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हैं उनके यहाँ तो आप इस हफ्ते 15 दिन में इस तरह से करते जाएं और एक टाइम ऐसा आएगा फिर इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉकरोच बिल्कुल से ही सिरे से गायब हो जाएंगे ठीक है जी ये बड़ी कुदरती एक ज़बरदस्त सा टोटका है ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने अपने पास नोट डाउन कर लिया होगा अगर मिस हो गया तो फिर हम इसे फेसबुक पर भी डाल देंगे जहां आप जहां से रेसिपीज़ ले सकते हैं आज इंटरटेनमेंट के फेसबुक पर जाएं तमाम रेसिपीज़ वहां मौजूद हैं फौरी तौर पर अगर रेसिपीज़ की ज़रूरत है तो वो भी आप ले सकते हैं और ये जो टोटका आज हमने आपको बताया है इसे भी हम उस पर डाल देंगे और वहां से आप ले सकते हैं चिकन नांजा बेसिकली है क्या चीज़ चिकन नांजा जो है ये चिली चिकन नांजा ये चिकन का अमेज़ा बनाकर इसे हम नान पर जो आम हमारे घर पे नान होता है उसके ऊपर जो है हमने इसको लगाना होता है और इसको जो है माइक्रोवेव हो या ओवन हो माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए और ओवन में 5 मिनट के लिए इसको बेक करना होता है ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा टाइप चीज़ बन जाती है ये और ये आइडिया कुकिंग है जिसको हम फ्यूजन कुकिंग भी कहते हैं हमारे पास कॉलर हैं कहाँ से सॉरी गुलाम जो है सरगोधा से हैं सलाम अलैकुम वालेकुम असलाम भाई कैसे हैं आप खैरियत से हैं लाइव एट 9 से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ मसाला टीवी से तो काफी दिनों से उधर से आप लाइव से तो कुदरती है भी आपको देखा मैंने जी 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 कैसा सरगोधा सरगोधा कैसा है ठीक ठाक है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के पास के बहुत एहसान है मेरा शहर कोट मोमन है जी जी इजाफात है ये डिस्ट्रिक्ट मेरा सरगोधा है अच्छा ठीक 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 हाँ जी गुलाम मुहिद्दीन अंजुम नाम है मेरा आपसे सिर्फ ये था अभी आप वो जो दही बल्ले की होती है ना वो गोल वो और बूंदी उन दोनों की रेसिपीज भी बताइएगा इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल जरूर जी और जल्द जल्द जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके काफी पुराने आप हमारे फैन हैं रेगुलर कॉलर भी रहे हैं आपने पहले भी शोज देखे हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह आपको जो है आपकी जो फरमाइश है पूरा माशाल्लाह आपको सेहत दे ईमान दे आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं बहुत शुक्रिया प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं बहुत शुक्रिया लेकिन शिफ्ट के मेरी लाइट चली गई इधर से अच्छा ठीक है बात ही हो रही है जी 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 अच्छा रात में 1 बजे रिपीट होता है और सुबह 10 बजे यानी कि कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा ये तो आप इसको देख सकते हैं इसके अलावा हमारा जो फेसबुक अकाउंट है उसमें अपना आज इंटरटेनमेंट का उस पर भी जाकर आप रेसिपीज वगैरह फौरी तौर पर अगर चाहिए होती है तो ले सकते हैं ठीक है और अपने आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं कोई सवाल वगैरह हो आपके पास तो ईमेल एड्रेस भी चल रेसिपी थी उधर मटन कुन्ना वो बनाया था हाँ बिल्कुल मटन कुन्ना जी जी वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बना बहुत जबरदस्त रेसिपी बनी थी बहुत जबरदस्त मैं दोबारा बनाने वाला हूँ इसलिए कि बकरीद आने वाली है बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा है वो दोबारा से जरूर सीख सकेंगे ठीक है ना वो और ये जो मैंने प्रोवाइड किया ये भी जरा जल्दी बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी तो चिकन नांजा बेसिकली है क्या चीज ये नान के ऊपर बनाने वाली एक ऐसी चीज़ है जो फटाफट तैयार होती है और आपके सेहत के ऐन मुताबिक होती है और झटपट बनाकर आप सुबह सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर देखते हैं बच्चे बड़े खुश खुश इसे खाएंगे और टाइम भी कम लगेगा क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे टाइम हो गया ब्रेक का एक छोटा सा चिकन नांजा ब्रेक और फिर वापस आते हैं चिकन नांजा मैरिनेशन के लिए
चिकन बोनलेस 300 ग्राम, लहसुन पेस्ट एक चाय का चम्मच, नींबू का रस एक खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर एक खाने का चम्मच, तेल फ्राई के लिए नमक हसबे जायका, सॉस बनाने के लिए प्याज चॉप्ड एक अदद, लहसुन चॉप्ड एक खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, शिमला मिर्च एक अदद, सफेद मिर्च पाउडर एक तिहाई चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी आधा चाय का चम्मच, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। तरकीब: चिकन के स्ट्रिप्स काट लें, एक मिक्सिंग बोल में चिकन मैरिनेशन के तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स कर लें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। पैन में तेल डालकर फ्राई कर लें और निकाल कर एक तरफ रख दें। सॉस बनाने के लिए पैन में तेल गरम कर लें, इसमें लहसुन प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च, नमक, सफेद मिर्च और टोमेटो केचप शामिल करके मिक्स कर लें। फ्राई किया हुआ चिकन शामिल करके मिक्स कर लें और भून लें। आमेजा गाढ़ा हो जाए तो उतार लें। नान पर आमेजे को डालकर सेट कर लें। ओरेगानो छिड़कें, चेडर चीज डालकर पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए बेक कर लें और निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी बनने जा रही है और वो है चिली चिकन नानजा। नान के ऊपर ये रेसिपी बनेगी और ये पिज़्ज़ा टाइप चीज़ होगी और इसे आप लंच बॉक्स में और किसी भी वक्त आपका दिल चाह रहा हो, बे टाइम की भूख होती है जब इंसान का दिल चाह रहा होता है कि यार अभी खाने में टाइम है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ बना ली जाए, तो उस वक्त ये नान आपके काम आएंगे। नान को अगर सेव करना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए, आपने इसे डीप फ्रीज़र के अंदर रख देना है। डीप फ्रीज़र से वैसे ही कड़क कड़क नान निकालें, इसे आप माइक्रोवेव में डायरेक्टली 3 मिनट के लिए लगाएं। नान ऐसे हो जाएंगे जैसे कि अभी आपने ताज़े ताज़े नान लिए हैं, ठीक है जी। ये टेक्निक भी आपने इसे नोट कर लेना है। आज हम आपको नान से जो चिली चिकन नानजा बनने वाला है वो हम आपको माइक्रोवेव में बताएंगे और साथ में ओवन में बताएंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमने छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट लिए हैं चिकन के। इसमें हमने काली मिर्च कुटी हुई, थोड़ा सा लहसुन और इसके साथ चुटकी चुटकी नमक, इसलिए कि इसमें सॉस भी जाएगा तो इसके नमक की क्वांटिटी को कम रखना है, और थोड़ा सा लेमन जूस और कॉर्नफ्लावर। पहले इसको मिक्स कर लें, ठीक है जी। पहले इसे मिक्स कर लिया आपने और उसके बाद इसमें आपने कॉर्नफ्लावर डाल दिया, ठीक है। अब अच्छी तरह से आपने दोबारा मिक्स किया और गर्म ऑयल के अंदर इसे फ्राई करके निकालना, और उसके बाद इसका सॉस तैयार करेंगे और उसके ऊपर फिर हमने इसे दोबारा से वापस सॉस में मिक्स करना है और तैयार करके इसे निकाल लेना है। इजी इजी डिश है, इसे वैसे भी आप सर्व कर सकते हैं सॉस में डालकर, और इसके साथ इसे आपने जो है जैसे नान के ऊपर मैं लगाना आपको सिखा रहा हूँ तो उसके ऊपर भी आप इसे डाल सकते हैं। चले जी, ये हमने डालना शुरू कर दिया है ऑयल में, थोड़ा सा ओपन करके डालें ताकि ये आपस में ना चिपके, ठीक है। और बहुत सारी क्वांटिटी में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि ये ऑयल का टेम्परेचर जो है वो नीचे ना आए और ये फ्राई हो जाए आराम से, इसलिए कि अगर हमने ओवर डाला तो ओवर डालने से ऑयल जो है वो ठंडा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा और जो भी चीज़ आपने इसमें डालना है डाला है आपने वो चीज़ सही तरीके से बन नहीं पाएगी, ठीक है जी। ये हमने एक तरफ कर दिया, दूसरी तरफ सॉस बनाना है हमने, और सॉस बनाने के लिए एक और पैन, और हमारे पास कॉलर हैं हनी फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम हनी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। हनी क्या कहना चाहेंगे? मैं भी आपकी पुरानी बहन ही हूँ। हाँ, मुझे मालूम है जी। अच्छा अच्छा, तो यार मुझे आपसे कुछ पूछना है, मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे? जी जी पूछिए पूछिए। ये जो बेकिंग के मोल्ड नहीं होते? बेकिंग के मोल्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। इन मैं बाहर से लाई थी ना, उनको जंग लग गया। हाँ हाँ, क्या हो गया उसको? वो जो जंग खानी लग गया था। जंग लग गया, ठीक है जी जी, ठीक है। कैसे उतरेगा वो? निकलेगा नहीं, एक दफा जंग लग जाए तो फिर निकल नहीं सकता, लेकिन कभी भी मोल्ड को इस्तेमाल करने के बाद वॉश करें और उस पर ऑयल लगा कर रखें, ठीक है। लेकिन एक दफा जंग लग चुका हो तो उसको साफ करके दोबारा इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन जंग जो है एक दफा लग जाए तो फिर वो हटता नहीं है उस पर से, ठीक है। और आजकल बड़े अच्छे मोल्ड आ रहे हैं नॉन स्टिक वाले, वो इस्तेमाल करें, उसमें जंग नहीं लगेगा। उम्र पे गई थी मैं, दुबई भी गई थी, मैं बाहर के लाई थी, वो अच्छे वाले हैं।
अच्छे लग गया। नहीं नहीं, दुबई से भी अच्छे और बुरे दोनों मिलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो लोग जो है ना चीज़ें जैसे पाकिस्तान में नॉन स्टिक मिलती हैं, सस्ती वाली होती हैं, बाद में ख़राब हो जाती हैं, तो इस तरह से दो किस्म की मिलती हैं। ठीक है, तो दुबई वाले भी कोई सारे ईमानदार लोग नहीं है, वहाँ पर भी बेईमानी होती है। अच्छा, आप जरा बेकिंग की तरफ ही आ गए, आपका पता ना बेकिंग लवर है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बेकिंग भी करें जरा आप। बिल्कुल बिल्कुल, बेकिंग भी जरूर कर रहे हैं और आज भी होने वाली है बेकिंग, इंशाल्लाह जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी यहाँ पर जी नान चिकन हमने फ्राई कर लिया है और इसे हम टिश्यू पर निकाल लेते हैं, दूसरी किस भी डाल देते हैं साथ में और हम चले जाएंगे सॉस बनाने के लिए। और ये देखिए क्रिस्पी से चिकन तैयार हो जाती है और ये आप आसानी से अपने घर पर बनाकर सॉस में मिक्स करके और इसको वैसे भी राइस वगैरह के साथ, फ्राइड राइस वगैरह के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है बनाना ये और इसके अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ नमक डाला है मैंने, बहुत ही कम सा, इसमें हमने काली मिर्च कुटी भी डाली है और इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है और कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है और इसे आधा मैंने पहले डाल दिया पकने के लिए, आधा जो है वो हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे, डालेंगे इसके अंदर और पीसेस में डालेंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। ठीक है जी, और इसमें हमने ये शामिल कर दिया, ये देखें इस तरह से ओपन करके डालें ताकि आसानी से, और बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं डालने इकट्ठे, जैसे कि मैंने दो किस्तों में डाला है इसे, आपने भी इसे इसी तरह से फैलाकर दो किस्तों के अंदर शामिल करना है। और दूसरी तरफ हमने बनाना है क्या जी, सॉस, और सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ऑयल और इसके अंदर हमने इस्तेमाल करना है सबसे पहले जो चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है मेरे पास प्याज, ये चॉप चॉप है मेरे पास, ये हमने शामिल कर दी। ठीक है जी, और लहसुन ये भी हमारे पास चॉप चॉप है, ये भी हमने डाल दिया, दो चीज़ें हमने पहले शामिल कर दी। ठीक है, और उसके बाद चीज़ें मैं आपको बताता जाता हूँ ताकि ये कि आप इसे अपने पास नोट कर लें, वैसे भी रेसिपी कार्ड भी चल रहा होगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं। लाल मिर्च कुटी हुई है, हरी मिर्च चॉप है, सोया सॉस है, नमक है, सफ़ेद मिर्च है, ओरिगानो है, टमाटो केचप है या चिली गार्लिक सॉस है वो ले लें, दोनों में से सिरका है और शिमला मिर्च है, सारी चीज़ें चॉप हैं। ये एक सॉस बनेगा और इसके बाद जो चिकन हमने फ्राई की हुई है इसको हमने सॉस में मिक्स करना है, इसके बाद इसे हमने नान के ऊपर रखना है, इसके ऊपर से चीज़ डालना है और अगर हमने माइक्रोवेव में बेक करना है तो उसके लिए 2 से 3 मिनट चाहिए होंगे और अगर ओवन में बेक करना है उसे हमें 5 मिनट चाहिए होगा पहले से गर्म ओवन के अंदर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पीसेज में काटें, लंच बॉक्स के अंदर रखें और बच्चों को सर्व कर दें। मिसेज नसीर फ्रॉम फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम गुलजार भाई, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं मिसेज नसीम? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जी जी, आज जी क्या बना रहे हैं भाई आप? आज मैं जो है चिली चिकन नानजा वो तैयार कर रहा हूँ और हमारे पास पोटैटो स्टिक्स बन रही हैं बहुत ही मज़ेदार सी और इसके साथ साथ जो है चिकन बोट जो है वो तैयार हो रहा है। जी ठीक है सर, मुझे ये पूछना था, ये मैंने चिप के बारे में पूछना था आपसे। किस चीज के बारे में? हेलो, चिप के बारे में, चिप्स? जब मैं आलू की चिप बनाती, आलू की चिप्स? हाँ हाँ बिल्कुल, तो उसमें जो बेसन है वो लगा नहीं रहता, जब भी मैं ऑयल में डिप करती हूँ तो एक साल पे हो जाता है। अच्छा चलें टीवी की तरफ चलें, आपको मैं जवाब देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि मिसेज नसीम चिप्स पर बेसन नहीं लगाया जाता। ठीक है, चिप्स को बहुत ही चिप्स काटा आपने, बॉइल्ड पानी जब बॉइल्ड हो रहा हो उसके अंदर डाला 2 मिनट के लिए और उसे निकाल कर खुश करना है आपने, हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगाना है, लगाने के बाद फिर उसको कॉर्नफ्लावर को छान लेना है, छानने के बाद बिल्कुल जब वो चिप्स आपके ड्राई हो जाएं उठाकर डीप फ्रीजर के अंदर रख दें इसे, जब ये कड़क हो जाएं डायरेक्ट निकालें, ऑयल में डालें, फ्राई करें, इंशाल्लाह क्रिस्पी क्रिस्पी चिप्स आपके तैयार होंगे जैसे मार्केट के अंदर आप परचेज करते हैं। डीप फ्रीजर से निकाल कर कड़क कड़क जो डीप फ्रीजर से कड़क कड़क निकलते हैं चिप्स, उसको आपने डायरेक्टली ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए डालना है, उसको ठंडा होने के लिए नरम करने का इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है, और चिप्स को बनाते वक्त चिप्स आपने काट लिए, पानी बॉइल्ड किया आपने 2 मिनट के लिए, उसको बॉइल्ड किया, निकाला, छाना, छानने के बाद
सिर्फ कॉर्नफ्लावर लगाया, कोई टेस्ट नहीं देना है। जो भी टेस्ट आपने देना है वो सब ऊपर से डालना है, यानी कि नमक आप डालना चाह रहे हैं, चाट मसाला डालना चाह रहे हैं, ओरिगानो डालना चाह रहे हैं, गार्लिक पाउडर डालना चाह रहे हैं, जो आप टेस्ट देना चाह रहे हैं, सब चीज़ें फ्राई होने के बाद, जब फ्राई हो जाए उसके बाद आप ऊपर से छिड़कते हैं, तो ये है टेस्ट रहेगा और आपके चिप्स जो हैं वो क्रिस्पी रहेंगे। ठीक है, सादिया फ्रॉम लाहौर, लाहौर, सलाम अलैकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम सो मच एक्साइटेड, आई कांट टेल यू। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको 2005 से देख रही हूँ, जब आप इंडस्ट्रियन पे आते थे। अच्छा अच्छा, ओहो, वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं बिलीव हो रहा बिल्कुल भी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो आपकी पहली दफा कॉल मिली है? पहली दफा कॉल मिली है। बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करनी थी, प्रोग्राम की बहुत ज्यादा तारीफ करनी थी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी। और सर आपके लिए शेर बोलना था। जी जी बिल्कुल, शेर बोलिए। हमें को खूबी किस्मत से आखिर मिल गया, वरना ओहो, हमें खुश किस्मत से आखिर मिल गया। सर किसको ऐसा घोरे नायाब आता है। जी जी जी, सॉरी दोबारा से जरा बताइएगा। हम ही को खूबी किस्मत से आखिर मिल गया, वरना जी मयसर किसको ऐसा गोरे नायाब आता है। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, आपके लिए गोया रहना आता है, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। और आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही सुपर। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, और इतनी मोहब्बत से कॉल करने का और इतना ज़बरदस्त शेर सुनाने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़रूर कॉल करते रहिए, और खुश आमदीद कहते हैं आज के तड़के में। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। चिली चिकन नामजा, मैरिनेशन के लिए चिकन बोनलेस 300 ग्राम, लहसुन पेस्ट एक चाय का चम्मच, नींबू का रस एक खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर एक खाने का चम्मच, तेल फ्राई के लिए नमक हस्बे जायका, सॉस बनाने के लिए प्याज चॉप्ड एक अदद, लहसुन चॉप्ड एक खाने का चम्मच, हरी मिर्च 4-5 अदद, शिमला मिर्च एक अदद, सफेद मिर्च पाउडर एक तिहाई चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी आधा चाय का चम्मच, टोमेटो केचप 2 खाने के चम्मचे, सोया सॉस एक खाने का चम्मच। तरकीब, चिकन के स्ट्रिप्स काट लें, एक मिक्सिंग बोल में चिकन मैरिनेशन के तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स कर लें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। पैन में तेल डालकर फ्राई कर लें और निकाल कर एक तरफ रख दें। सॉस बनाने के लिए पैन में तेल गरम कर लें, इसमें लहसुन प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च, नमक, सफेद मिर्च और टोमेटो केचप शामिल करके मिक्स कर लें। फ्राई किया हुआ चिकन शामिल करके मिक्स कर लें और भून लें। आमेजा गाढ़ा हो जाए तो उतार लें। नान पर आमेजे को डालकर सेट कर लें। ओरेगानो छिड़कें, चेडर चीज डालकर पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए बेक कर लें और निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार चिली चिकन नानजा जो है वो तैयार हो रहा है। मैंने जैसे आपको बताया, नान पर ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनेगी और झटपट बनेगी, और इसके लिए हमने चिकन को पहले फ्राई कर लिया, उसके बाद अदरक लहसुन और प्याज, इसे हमने हल्का सा कलर दिया है, बहुत ज़्यादा ओवर कलर नहीं देना है इसमें आपने, और इसके साथ टमाटो केचप, ओरिगानो, ठीक है जी, और इसमें आएगा शिमला मिर्च चॉप चॉप, ठीक है जी, और इसके साथ हमने इसमें शामिल कर देना है सफ़ेद मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अपना सोया सॉस, और थोड़ा सा इसमें सफ़ेद सिरका, और ये है हरी मिर्चें, और ये है लाल मिर्चें कुटी हुई, ठीक है, और थोड़ा सा नमक, इसलिए कि सोया सॉस में नमक होता है, तो इसलिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है, और थोड़ा सा इसमें इस ऐड किया, और इसको हमने हल्का सा पकाया, और ये जो चिकन हमने फ्राई किया, डीप फ्राई करके निकाला है, इसे इसमें मिक्स करना है, और इसे नान पर रखना है, चीज़ सर्च रखना है, और इसे हमने बेक करना है ओवन में हमने 5 मिनट के लिए, और माइक्रोवेव में 2-3 मिनट के लिए। एक टेक्निक है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। यहाँ मेरे पास जो है ऑयल गर्म हो रहा है, ये हम बना रहे हैं स्पाइसी पोटैटो स्टिक्स। इसको बनाने के लिए पोटैटो बॉयल्ड है, आलू बॉयल किए हुए हमने, इसके हमने 4-4 पीसेस कर लिए हैं, और इसे हमने डायरेक्टली ऑयल में डाल दिया, ठीक है। इसको हल्का सा फ्राई करें, और इसके बाद इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे, और इसके बाद टमाटर, टमाटो पेस्ट, हरी मिर्चें, ज़ीरा कुटा हुआ, लाल मिर्च कुटी हुई, चाट मसाला, और
املی کا پیسٹ, مختلف چیزیں ڈال کر اسے ہم نے بنانا ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم لائٹ سا کوئی چیز سرو کرنا چاہتے ہیں, کوئی چٹپٹی چیز کھانا چاہتے ہیں, تو یہ چیز آپ اپنے گھر پہ بنا کر سرو کر سکتے ہیں. اسے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں. آپ تمام چیزیں جو آج بن رہی ہیں یہ سب لنچ باکس میں بھی آپ اسے سرو کر سکتے ہیں, یا چھوٹی موٹی پارٹی کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ اسے بنا کر سرو کریں. انشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے گا. یہ میں نے چکن جو فرائی کیا ہوا تھا ہم نے اس کو ایڈ کر دیا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسے آپ صرف سوس میں مکس کر کے بھی آپ رائس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں, وائٹ رائس یا فرائیڈ رائس کے ساتھ. ہمارے پاس کالر ہیں, مبشر فرام فیصل آباد. جی السلام علیکم مبشر. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی اپنا جب پروگرام شروع ہوا تو آپ کاکروچ کے متعلق بتا رہے تھے, پلیز ذرا ریپیٹ کر دیں. جی بالکل بالکل کر دیتے ہیں. جی اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں. اللہ میاں اس کو اور ترقی دے. آمین آمین اللہ حافظ. جی ہم نے اس میں جو چیزیں استعمال کرنی ہے کاکروچ کے لیے, اس کے لیے ہے آدھا کپ دودھ, نارمل جو دودھ ہوتا ہے پینے والا دودھ ہوتا ہے, آدھا کپ پاؤڈر والا دودھ, آدھا کپ میدا, آدھا کپ چینی اور آدھا کپ بورک پاؤڈر جو کیرم کے اوپر ہم استعمال کرتے ہیں بورک پاؤڈر. یہ ساری چیزیں ملا کر اسے ڈو بنا لیں. ڈو بنانے کے بعد اسے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے ٹکڑے نکالیں اور اسے جس طرح یہ کیبنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر لگا دیا, فریج کے پیچھے لگا دیا, اوون کے پیچھے, مائکرو ویو کے پیچھے, ہر جگہ پر اسے انگلی سے ایسے ایسے چپکا دیں. ٹھیک ہے جس جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کاکروچ کا سفر ہوتا ہے وہاں سے تو وہاں پر آپ اس کو لگا دیں تو انشاءاللہ کاکروچ جو ہے وہ دوسرے دن سے آپ کو نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ضرور ٹرائی کیجیے اور مجھے بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو. یہ آ جاتے ہیں ہم اس کی طرف, اس کو کیسے سرو کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے ایک تو اوون میں ہم نے بنانا ہے اور دوسرا جو ہے ہم نے اسے مائکرو ویو میں تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے اوون کے لیے میں اوون ٹرے لے رہا ہوں اور یہ چیز جو ٹیکنیک ابھی میں بتانے جا رہا ہوں اس کو ضرور آپ نے اپلائی کرنا ہے ورنہ مزیدار چیز تیار نہیں ہوگی. آپ نے نان لے لیے دو, ٹھیک ہے, اور یہ ہے میرے پاس اسپرے 10-20 روپے کا باٹل آپ کو مارکیٹ میں مل جاتا ہے اور اس اسپرے کو آپ نے اس کے نان کے اوپر اس طرح سے پانی چھڑکا, یہ ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے ایسے کر کے چھڑک دیا آپ نے اور اس کے بعد یہ جو امیزہ ہے اس کے اوپر رکھا آپ نے. ٹھیک ہے جی اور یہ آ گیا اوون کے لیے. ٹھیک ہے مائکرو ویو کے لیے بھی ابھی میں ڈالوں گا, یہ اوون کے لیے اور یہ آ گیا اس کے اوپر ہم نے چیز چھڑک دینی ہے. بہت ہی زبردست چیز تیار ہوگی یہ ابھی آپ دیکھیں گے. اور جن کے پاس اوون نہیں ہے مائکرو ویو ہے, نارمل والا جو مائکرو ویو ہوتا ہے, کوئی خاص قسم کا مائکرو ویو نہیں چاہیے ہوگا اس کے لیے, نارمل والے مائکرو ویو میں آپ نے اسی طرح سے ایک پلیٹ پر اسے رکھا, یہ دیکھیں, اور اس کے اوپر سے آپ نے اسپرے ضرور کرنا ہے. یاد رکھیے گا یہ آپ نے پانی کا اسپرے اچھی طرح سے ضرور کرنا ہے ورنہ یہ سافٹ نہیں رہے گا, کڑک ہو جائے گا. جب بھی نان آپ نے مائکرو ویو میں گرم کرنا ہے اس طرح کا اسپرے رکھ لیں گھر پہ پانی کا اور اسے آپ نے اسپرے کیا, پھر نان کو آپ مائکرو ویو میں 1-1.5 منٹ کے لیے گرم کریں گے, نان ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ ابھی آپ نے تندور سے لیے ہیں. ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے چکن کو باقی چکن کے امیزہ کو اس میں نکال لیا. ٹھیک ہے اور پہلے اسپرے کیا, اسپرے کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈالا نان کے اوپر, باقی ڈالا یہ چیز اچھی طرح سے پھیلا کے اور مائکرو ویو میں, نارمل والے جو مائکرو ویو ہے اس میں آپ نے کتنے منٹ کے لیے کرنا ہے؟ صرف 2-3 منٹ کے لیے. بڑا مائکرو ویو ہے تو 2 منٹ کے لیے, چھوٹا مائکرو ویو ہے 3 منٹ کے لیے. آپ نے اسے سیدھا سیدھا اسپرے کیا, چیز ڈالی اور اسے آپ نے مائکرو ویو میں رکھ دیا. یہ دیکھیں مائکرو ویو میں آ گیا. ٹھیک ہے جی اور اسے آپ نے 3 منٹ کے لیے آن کر دیا. چلیں یہ چلا گیا اور یہ جائے گا اوون میں 5 منٹ کے لیے.
पोजीशन है, सेंटर में डबल साइड से हीट देनी है, और यहां मेरे पास पोटैटो है, वो फाइनली अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाए, ये देख लें इस पे कलर आ गया, ये देख लें, ये होता है इसको सौंदा करने का तरीका कार। कलर दे दिया आपने, जब आपके पास आलूओं पे कलर आ गया, अभी आपको कैमरा दिखा भी रहा होगा, जब ये हो जाए पोजीशन, उसके बाद फिर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ठीक है, इसे फ्राई किया, इसके बाद फिर आपने टमाटो पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्चें, लाल मिर्च कुटी हुई, जीरा कुटा हुआ, काली मिर्च कुटी हुई, नमक, आखिर में ऊपर से चाट मसाला और हरा धनिया छिड़क कर उसे सर्व कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, और ये आप जब खाएंगे तो आपको स्कूल का ज़माना याद आ जाएगा, जब आप चटपटे आलू मार्केट से परचेज करके अनहाइजेनिक यानी कि उसको सफाई का ख्याल ही नहीं रखते वो लोग, तो उसको आप अपने घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये तरीका कार है इसका, और इसमें हमने ये लिया टमाटो पेस्ट, थोड़ा ताज़ा फ्रेश टमाटर चॉप चॉप, और इसमें हमने डाल दिया हरी मिर्चें, ये भी चॉप चॉप हैं, और इसके साथ ज़ीरा कुटा हुआ, नमक हसबे ज़रूरत, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, लाल मिर्च कुटी हुई, काली मिर्च कुटी हुई, और नॉर्मल जो चाइनीज़ सॉल्ट अगर डालना चाहते हैं तो वो डाल लें, और इसके अंदर चाट मसाला थोड़ा पहले डाल लें, थोड़ा सा ऊपर से छिड़कने के लिए रख लें। अब मेरे पास हरा धनिया और इमली का पेस्ट और चाट मसाला, ये हम आखिर में शामिल करेंगे, पहले इसे हमने मसाले को अच्छी तरह से इसमें लिपट जाए, ये देखें आलू के ऊपर बहुत ही चटपटे मटे मज़ेदार से आलू, और ये जो है ना जब अच्छे बने होते हैं ना चटपटे वाले आलू, पोटैटो स्टिक्स जो हैं स्पाइसी, तो फिर ये इसके आगे आप कोई और चीज़ टिकती नहीं है, इसलिए कि ये ख़ुद इतने मज़ेदार से होते हैं, और इसे आप टूथपिक्स वगैरह लगा कर सिंगल आलू भी सर्व कर सकते हैं, इसे आप बारबेक्यू स्टिक्स पे लगा कर भी सर्व कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे आपने सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, और इंशाल्लाह इसके बाद वाली रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए कि वो भी आप लंच बॉक्स में इसके आप पीसेस निकाल लें, दो चार पीस ये रख दें, नान का जो नान अभी हमारे तैयार हो रहे हैं चिली चिकन नानजा, उसे आपने बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह काट लिए, दो पीस वो रख दिए, थोड़े से आलू रख दिए, और जो स्टफ़ अभी बन बनने वाला है मज़ेदार सा, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दोबारा से चीज़ ऐड बता दूँ जिन लोगों ने कॉकरोच के लिए दोबारा से पूछा है, फिर से नोट कर लें, बार बार बता रहा हूँ ताकि मिस ना करें, इसलिए कि 14 अगस्त भी आने वाली है, सफाई भी होने वाली है, बकरीद भी आने वाला है, और कॉकरोच हों घर में तो फिर तो बड़ी परेशानी होती है गोश्त वगैरह के लिए, तो इससे बेहतर है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो, चीज़ तैयार करके रख लें। आधा कप आपने जो है मैदा लेना है, आधा कप दूध जो पीने वाला दूध होता है आधा कप वो लेना है, सब चीज़ें बराबर बराबर हैं, आधा कप जो है आपने पाउडर वाला दूध ले लिया, और इसके अंदर आधा कप चीनी ले ली, आधा कप बोरिक पाउडर ले लिया, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आपने एक पेस्ट बना लिया, और इसके छोटे छोटे से पीसेस करके उंगली की मदद से आप इसको किसी कैबिनेट पे लगा दें, चूल्हे के नीचे, फ्रिज के पीछे, ओवन के पीछे, मुख्तलिफ जगहों पे लगा सकते हैं इसे, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं, कहाँ से? सीरत लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। गुलजार, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक सर। मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं कबाब बनाती हूँ कीमे के, तो वो टूट जाते हैं। टूट जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अंडा भी डालती हूँ, प्याज भी डालती हूँ, टमाटर प्याज भी डालती हैं, और कबाब वो जो कच्चे कबाब होते हैं जिस तरह शामी कबाब टाइप बनाते हैं, या कीमे के मटन, ठीक है। तो आप डबल रोटी डालती हैं? नहीं, डबल रोटी नहीं डालती। ठीक है, डबल रोटी के दो पीस डाल लिया करें आधा किलो में, और चार खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर डाल लें, ठीक है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर, ठीक। और मैंने पूछना था कि ग्राम में जो बेकिंग में आप जो ग्राम में बताते हैं ना कि ये 20 ग्राम या 100 ग्राम, मुझे ना उसकी समझ नहीं आती। अच्छा ठीक है, आप इतना टेबल स्पून बता दिया करें, कितने आपने टेबल स्पून डाले हैं? मैं वैसे तकरीबन अपने प्रोग्राम में टेबल स्पून कप्स में बताता हूँ, ज्यादातर कोशिश करता हूँ मैं, मेरे प्रोग्राम में वैसे ग्राम अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसलिए कह रही थी क्या मुझे ना, ठीक है, बता देना। ठीक है, बिल्कुल। वैसे मेरे शो में वैसे ज्यादातर मैं जब बताता हूँ बेकिंग का, तो कप में होता है या फिर टेबलस्पून और टेबलस्पून में होता है, टेबलस्पून और टीस्पून में होता है, लेकिन कोशिश करेंगे अगर कोई ग्राम में आता है तो मैं उसको अल्टरनेट आपको बता दूँ, ठीक है।
जी आप मेरे भाई की तरह लगते हैं, प्लीज उसको हेलो कह दे। दानिश क्या नाम है उनका, क्या नाम है भाई का आपके? हेलो दानिश, 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 हेलो, कैसे हैं आप? मेरी तरह के हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी तो यहाँ पर ये हो गया मिक्स फाइनली हमारे पास, इसलिए कि आलू तो बॉइल्ड थे। अब ये मसाला देखें कितनी अच्छी तरह से इस पर लिपट गया है। जब ये पोजीशन हो जाए तो आपने इसमें इमली का पेस्ट शामिल कर दिया और इसमें आपने डाल दिया हरा धनिया बहुत सारा, और इसके साथ आपने मिक्स किया और इस पर चाट मसाला छिड़का और डिश आउट कर लिया। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। स्पाइसी पोटैटो स्टिक, अज्जा, आलू 1 किलो, टमाटो प्यूरे 1 कप, टमाटर 2 से 3 अदद, इमली का पेस्ट आधा कप, लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चमचे, जीरा भुना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, टूथपिक हस्बे जरूरत, चाट मसाला गार्निशिंग के लिए, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब, एक पैन में तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट और आलू डालकर अच्छी तरह से भून लें। जब आलू पर हल्का ब्राउन कलर आ जाए तो इसमें चॉप टमाटर, टमेटो प्यूरे, लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्चें और नमक शामिल करके हस्बे जरूरत पानी डालकर इतना पकाएं कि आलू गल जाएं और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। आखिर में इमली का पेस्ट शामिल करें और अच्छी तरह से भूनें। जब ऑयल अलग होने लगे तो डिश आउट कर लें, टूथपिक लगाएं और ऊपर से हरा धनिया और चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार रेसिपीज जो है तैयार हो रही हैं आपके लिए। और अच्छा आज मेरी सालगिरह है। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू। ये हमारी नन्ही सी दोस्त हैं, आई हैं हैप्पी बर्थडे के लिए, और मैं तमाम लोगों का जो मेरे चैनल पे तमाम लोग हैं उन सब का और तमाम स्टाफ का, तमाम मैनेजमेंट का, सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और साथ में जो मेरे देखने वाले लोग हैं, गुजार बातें उन्हीं से हम हैं, और उन सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतना ज़बरदस्त सा मेरी सेलिब्रेट किया। मैं सरप्राइज हो गया था, इसलिए भी रेसिपी मैं बना रहा था और अचानक हुआ है, तो थैंक यू। आप कैसे हैं? और चलें जी, यहाँ मैं चाहूँगा कि जो भी लोग मेरे पास देखने वाले हैं प्लीज़ आ जाएं थोड़ी देर के लिए। मैं अकेले काटता हुआ जरा अजीब सा लगूंगा। जी जी प्लीज़। और तमाम लोग मौजूद हैं और आइए, आओ आओ, यस, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, जबरदस्त, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओके, चलें जी, नन्ही मोनी दोस्त के साथ, हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सबकी मोहब्बतों का। और ये मोहब्बतें जो हैं इस तरह की, अचानक जब इंसान कोई सरप्राइज होता है तो फिर बहुत ही हैरान होता है। जैसे कल भी मेरे एक कॉलर थे जिनको याद था कि मेरी सालगिरह आज है, मुझे खुद भी याद नहीं था। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, बहुत इस तरह से हमारे आज के तड़के के साथ जुड़े रही है, आज इंटरटेनमेंट के साथ, और इंशाल्लाह हमारी मोहब्बतें भी आपके साथ हैं। साथ में जो भी रेसिपीज़, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से होगी, इंशाल्लाह हम आपके साथ ईमानदारी के साथ जारी और सारी रखेंगे। चलते हैं स्टफ़ जो है बन तैयार करने के लिए जा रहे हैं, और इसके लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो मिक्स करनी होंगी हमें, और साथ में सिंपल हमने बन को ऊपर से इस तरह से कट कर देना है, और इसके अंदर जो है स्टफ़ के लिए थोड़ी सी जगह बना लेनी है। ठीक है, पहले हमने ये कर लिया, उसके बाद ये चीज़ ऐसी है कि जो आप, मैंने जैसे आपसे कहा लंच बॉक्स में बड़ा मसला होता है अनहाइजेनिक का, और
हाइजेनिक का। तो इसलिए आप अपने घर पर अगर कोई चीज़ तैयार करते हैं उसका पता होता है आपको कि मैंने क्या चीज़ बनाई है और किस तरह से बनाई है, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप ये स्टफ़ बन या स्टफ बोट हम इसे कहते हैं, ये आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। चलते हैं और सबसे पहले चिकन बॉयल्ड है मेरे पास और इसे आपने लहसुन के साथ बॉयल कर लिया और इसके बाद इसमें आपने शामिल कर दिया पिज़्ज़ा सॉस या चिली गार्लिक सॉस या टमाटो केचप, तीनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। इसमें हमने लिया है टमाटर, फ्रेश फ्रेश, थोड़ी सी शिमला मिर्च, सारी पिज़्ज़ा में डालने वाली चीज़ें हैं। इसमें हमने ले लिया थोड़ा जो मशरूम और थोड़ा सा ओरिगानो और इसके साथ काली मिर्च कुटी हुई और थोड़ा सा नमक, ठीक है जी। और इसके बाद इसको करना है मिक्स अच्छी तरह से ताकि तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जी ना, तो ये हो गया मिक्स और इसे आप हाथ से भी डाल सकते हैं, चमचे से भी इसको स्टफ़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे आप बनाकर सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरे पास अच्छा हाथ से करने में ये फ़ायदा कि आपको अच्छी तरह से स्टफ़ हो जाएगा, तो मेरे पास ग्लव्स हैं और ग्लव्स के साथ मैं से इस तरह से ये देखें थोड़ा इसमें से आपको फ़ायदा ये होगा कि स्टफ़ करने का इसे आप ज़रूरी नहीं, बच्चे अगर छोटे हैं जो इनको आप लंच बॉक्स में देना चाह रहे हैं उन्हें आप इसे पूरा एक पीस भी ना दें, आधा भी करके दे सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर रखेंगे चीज़ और इसे हमने प्री हीटेड ओवन यानी कि पहले से गर्म ओवन में सिर्फ 2-3 मिनट के लिए बेक करना है और ये तैयार हो जाएगा। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। बोट अज्जा बन लंबे वाले 4 अदद, चिकन बॉयल 150 ग्राम, मोजरेला चीज कद्दूकश आधा कप, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, ओरेगानो 1 चुटकी, पिज्जा सॉस या टोमेटो केचप आधा कप, जैतून आधा कप, मशरूम आधा कप, तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब, लंबे वाले बन लें, इसके ऊपरी हिस्से को गहराई में काट लें, फिर एक मिक्सिंग बोल में चिकन, मशरूम, ऑलिव, शिमला मिर्च, टमाटर, काली मिर्च, नमक शामिल करके मिक्स कर लें। अब बन में सॉस लगाएं, फिर स्टफिंग कर लें, फिर ऊपर से मोजरेला चीज डालें और ओरेगानो छिड़कें। अब इसे पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड डिग्री पर 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लें, निकाल कर सर्व करें। वेलकम 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 बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार हो चुकी हैं और स्टफ़ जो है बन या बोट जो है वो भी हमने तैयार कर लिया है। साथ में आपको मैंने बताया कि नान के ऊपर चिकन अपना चिली चिकन नानजा नान के ऊपर भी आप इस तरह से बना सकते हैं और इसके साथ पोटैटोज़ जो हैं वो भी तैयार हैं। और आज रात 12 बजे मेरी सालगिरह है तो आज मेरा लास्ट प्रोग्राम होता है, लास्ट शो होता है, तो मैं अपनी तरफ से इतना खूबसूरत गिफ्ट का सरप्राइज़ का मैं हैरान हो गया था, इसलिए कि ब्रेक के दौरान अचानक बर्थडे वाला गाना जो स्टार्ट हुआ है और मैं अपने तमाम जो कुलीग हैं मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, तमाम जो लोग हैं और तमाम मैनेजमेंट है, तमाम आज इंटरटेनमेंट का जो जितने भी लोग हैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इस तरह से खूबसूरत सा जो है ना इन्होंने गिफ्ट मेरे लिए किया है। कहते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी बड़ी नहीं होती लेकिन वो अचानक हो जाएं तो फिर आपको बड़ी खुशी होती है, अंदर से इंसान खुश होता है। तो तमाम जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और कल से मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं फेसबुक पर जो लोग हैं, तमाम लोगों का मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरी सालगिरह को याद रखा, इसलिए कि कल तक मुझे खुद भी याद नहीं था कि मेरी सालगिरह आज रात 12 बजे यानी कि कल होगी लेकिन रात 12 बजे तक जो है वो हो जाएगी। 5 अगस्त को मेरी सालगिरह होती है और आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह इसी तरह से मेहनत से ईमानदारी के साथ हम अपने प्रोग्राम को करते रहेंगे। और मैं दोबारा से अपने तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, रेसिपी ज़रूर नोट कीजिएगा और इस शो को ज़रूर इस चीज़ से आप
अपने बच्चों को लंच बॉक्स जो है घर पर तैयार करके दे सकते हैं मज़ेदार से, कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे मैं आपको और आइडियाज़ भी दूंगा जिससे सिंपल जो है रेसिपीज़ आप अपने घर पर बनाकर लंच पर दे सकते हैं, ठीक है जी। और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, इसलिए कि बच्चों का जो है इम्यून सिस्टम ज़रा कमज़ोर होता है तो वो जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, तो उनकी हेल्थ का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, जाते जाते फिर से बहुत शुक्रिया, और मेरी सालगिरह का, आप सबका, मेरे आज इंटरटेनमेंट के तमाम दोस्तों का, तमाम कुलीस का बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।